नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 9 अगस्त 2021 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु वृषभ राशि में, सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में, दोपहर के बाद चंद्रमा भी सिंह राशि में प्रवेश कर चुकेंगे। उधर बुध का प्रवेश सिंह राशि में हो चुका है, पहले से वहां पे शुक्र और मंगल बैठे हैं। केतु वृश्चिक राशि में, शनि मकर राशि में और कुंभ राशि में बृहस्पति का गोचर है, जिसमें शनि और बृहस्पति दोनों ही वक्री गति से चल रहे हैं। राशिफल देखते हैं। मेष राशि की स्थिति दिनानुदिन सुधर रही है। बच्चों के सेहत में सुधार, आपके सेहत में सुधार, व्यवसायिक स्थिति अच्छी और व्यापारिक स्थिति भी अच्छी दिख रही है। कुल मिलाकर के अच्छा समय आपका कहा जाएगा। लाल वस्तु पास रखें। वृषभ राशि, भूमहन वाहन की खरीदारी संभव है। घर में भौतिक सुख संपदा में वृद्धि दिख रही है, लेकिन कलह से बचें। स्वास्थ्य ठीक है, प्रेम और व्यापार भी आपका सही दिख रहा है। लाल वस्तु का दान करें। मिथुन राशि, पराक्रम रंग लाएगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से, प्रेम के दृष्टिकोण से उत्तम समय। काली जी को प्रणाम करें। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम व्यापार में सफलता, उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, आप में अच्छी स्थिति दिख रही है। बजरंगबली को प्रणाम करें। सिंह राशि, सितारों की तरह चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बस कई तरह की व्यथाएं, कई तरह के मनोदशा आपके अंदर जो चल रही है, उसमें कोप अप करिए, उसको संभालिए। बाकी अच्छी स्थिति, स्वास्थ्य प्रेम व्यापार आपकी बहुत अच्छी स्थिति, सब कुछ ठीक ठाक। सूर्य को जल देते रहे। कन्या राशि, खर्चे को लेकर के मन परेशान रहेगा, थोड़ा मन व्यथित रहेगा, उद्विग्नता रहेगी, सरदर्द, नेत्र पीड़ा, अज्ञात भय, ये परेशान करेगा। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। प्रेम व्यापार सब कुछ सही दिशा में दिख रही है। लाल वस्तु का दान करें। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम की स्थिति अच्छी, व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ नए आयाम, रुका हुआ धन वापस की स्थिति, नए उद्योग धंधे में शुरुआत, अच्छी स्थिति है। काली जी को प्रणाम करें। वृश्चिक राशि, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, पैतृक संपत्ति में इजाफा होगा, उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम की स्थिति मध्यम, व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा समय। शिव जी को प्रणाम करते रहे। जोखिम से उबर चुके हैं, अच्छे दिनों की तरफ जा रहे हैं, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम व्यापार की स्थिति अच्छी। बजरंग बाण का पाठ करें। मकर राशि, प्रतिकूल समय, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, थोड़ा बच के पार करें। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम की स्थिति मध्यम, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी थोड़ा सा गतिरोध का स्थिति दिख रहा है। काली जी को प्रणाम करें। कुंभ राशि, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, व्यापारिक स्थिति अच्छी बनेगी, पति पत्नी की मुलाकात, पति पत्नी के सामंजस्य, प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात, अच्छी स्थिति दिख रही। काली जी को प्रणाम करें। मीन राशि, विरोधियों पर भारी पड़ेंगे, उच्च अधिकारी का आशीर्वाद मिलेगा, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम व्यापार की स्थिति काफी अच्छी। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते रहे, अच्छा अच्छा होगा। नमस्कार।